हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अच्छा क्या आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स नेकेड स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड ऑफरोडर क्रूजर पॉपर चॉपर टूरर एडवेंचर स्क्रैम्बलर स्कूटर्स मोपेड्स और कम्यूटर्स, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया में 20 से भी ज्यादा टाइप है बाइक्स के। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सब टाइप्स के बारे में। सो ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और टी और एनी अदर बेवरेज ऑफ योर चॉइस, क्योंकि ये है द क्रैश कोर्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और पुण्य के भागी बने। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। अच्छा सबसे पहले ये सब हटाते हैं और अब आप देखिए इसको। ये है दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल जो कि 1885 में बनी थी, डैमलर रिटवैगन। और उस दौर में एक मोटरसाइकिल बनाने की रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करती थी। दो व्हील्स, उनके बीच में एक फ्रेम और फ्रेम के ऊपर माउंट किया हुआ आपका इंजन। एंड कांग्रेचुलेशन, यू हैव योरसेल्फ अ मोटरसाइकिल। लेकिन आजकल चीजें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, सो मच सो कि अगर आपने अपने मोटरसाइकिल की फुटपैक की पोजीशन को थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया तो चांसेस आ कि आप अपने बाइक की टाइप को ही चेंज कर दो। तो गाइस बहुत हो गया हिस्ट्री और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर लेसन, अब स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा हार्डकोर कैटेगरी की, स्पोर्ट्स बाइक्स। स्पोर्ट्स बाइक्स को रोड पे आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है बिकॉज ऑफ देयर शार्प एंड एरोडायनामिक डिजाइन लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बाइक आपको फुली कवर्ड मिलेगी फेयरिंग्स, यानी कि आपको विंड प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा प्रॉपर वाइजर। और नॉर्मली इन बाइक्स का इंजन भी फुली कवर्ड होता है और राइडर का राइडिंग स्टांस भी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है। एंड दैट इज बिकॉज कि अगर राइडर को इस मशीन को प्रॉपरली राइड करना है तो उसको इस मशीन का एक इंटेग्रल पार्ट बनना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रेसिव राइडिंग स्टांस, आप कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से अटैक कर सकते हो मैक्सिमम लीन करके। स्पोर्ट्स बाइक्स को सिर्फ एक ही गोल के साथ डिजाइन किया जाता है, वो ये कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जितना हो सके उतना फास्ट डिस्टेंस कवर किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, स्पोर्ट्स बाइक्स में आपको मिलती है सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट राइडिंग एड्स, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। अच्छा कभी कभार स्पोर्ट्स बाइक सेमी फेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इंजन होता है उस पे कोई फेयरिंग नहीं होती, वो एक्सपोज होता है। तो नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक्स को दो फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रोड लीगल एंड ट्रैक फोकस। तो जो रोड लीगल स्पोर्ट्स बाइक्स होती है उनकी सबसे खास बात ये होगी कि उसमें आपको हेडलाइट्स मिलेगी, टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, साथ में एक हॉर्न मिलेगा जो कि किसी भी व्हीकल के रोड लीगल होने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया। और उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ एमिशन नॉर्म्स भी होंगे जो फुलफिल करने होंगे, फॉर एग्जांपल R15, R7 एंड CBR650। और वहीं ट्रैक फोकस बाइक में आपको इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी होती, आपको बाइक को सिर्फ एक ही गोल के साथ बनाना होता है, मैक्सिमम अटैक मोड। फॉर एग्जाम्पल निंजा H2R जो कि दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक है लेकिन रोड लीगल नहीं है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों के डाउट निकल के आते हैं कि भाई अगर बाइक रोड लीगल नहीं है तो फिर उसको खरीद कैसे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो बाइक रोड लीगल नहीं होती उसको आप रोड पे नहीं चला सकते लेकिन ट्रैक पे चला सकते हो, तो टेक्निकली आप उसको ट्रैक पे चलाने के लिए खरीद सकते हो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी चीजें जो आपको करनी है। सबसे पहले तो जल्दी से जाके वो लाइक बटन दबाओ जिससे हमें एल्गोरिथम को हराने की पावर मिलती है। और दूसरा, जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि हमारी ये न्यू सीरीज द क्रैश कोर्स आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी और बात करते हैं कुछ नेकेड बेब्स के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस नेकेड बेब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीस नेकेड बेब्स। तो गाइस एज द नेम सजेस्ट, नेकेड बाइक्स का मतलब होता है ऐसी बाइक्स जो कि लिटरली नेकेड, नेकेड इन द सेंस कि इन बाइक्स में किसी भी तरह की कोई फेयरिंग नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन बाइक्स की जो विंड प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, क्लोज टू जीरो। अच्छा नेकेड बाइक्स को भी फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नेकेड स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड एंड न्यू रेट्रो। तो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक को बनाने की रेसिपी कुछ इस तरह की है। तो आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेंगे, उसमें से जितनी भी फेयरिंग है सबको रिमूव कर देंगे, सो मच सो कि जो वायर्स है वो भी एक्सपोज हो जाए। उसके बाद जो उस बाइक का राइडिंग स्टांस है आप उसको थोड़ा सा कम एग्रेसिव बनाएंगे, फुट पैक्स की पोजीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, क्लिप ऑन्स को हटा के आप फ्लैट एंड वाइडर हैंडल बार लगा देंगे ताकि आपको अच्छा लेवरेज मिल सके। और साथ ही साथ उस हैंडल बार को थोड़ा सा रेज कर देंगे ताकि राइडिंग पोजीशन में आपकी बैक थोड़ी सी सीधी रहे और आपको ज्यादा झुकना ना पड़े। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये अपने स्पोर्ट्स बाइक काउंटर पार्ट से थोड़ी सी ज्यादा रिलैक्स, थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, एटलीस्ट फॉर द राइडर। पिलियन के लिए सिचुएशन स्टिल रिमेन द सेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बाइक को एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है और इसीलिए इंडिया में नेकेड स्पोर्ट्स बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, सबसे ज्यादा यही भी। अगर आप लोगों को बाइक स्टंट्स करने का शौक है तो ये कैटेगरी सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। यामा MT-15 एंड KTM ड्यूक 250 स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी के बहुत ही अच्छे इकोनॉमिकल एग्जांपल है। लेकिन भाई अगर आप ज्यादा पावरफुल बाइक्स की तरफ जाओ जैसे कि यामा MT-01, तो उन बाइक को हमने नाम दे रखा है हाइपर नेकेड। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि स्टैंडर्ड नेकेड बाइक्स या फिर स्टैंडर्ड बाइक्स। स्टैंडर्ड बाइक्स एज द नेम सजेस्ट स्टैंडर्ड होती है, मतलब ये कि ये बाइक्स भी नेकेड स्टाइलिंग को फॉलो करती है लेकिन जो इनके लुक्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेट्रो होते हैं। यानी कि आपको मिलती है राउंड हेडलाइट्स, राउंड डायल्स, एनालॉग स्पीडोमीटर एंड थिंग्स, साथ में एक ऐसा इंजन जो एयर कूल्ड होता है या फिर एटलीस्ट इट इज डिजाइन टू लुक लाइक एन एयर कूल्ड इंजन। स्टैंडर्ड बाइक्स में जो आपको इंजन मिलता है वो यूजुअली एयर कूल्ड होता है, फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। लेकिन काफी केसेस में इट
इज डिजाइन टू लुक लाइक एन एयर कूल्ड इंजन, फॉर एग्जाम्पल जावा 42। साथ ही साथ जो इसमें राइडिंग पोजिशन होती है वो काफी ज्यादा रिलैक्स होती है, काफी कंफर्टेबल होती है, सो दैट आप हाईवे पे काफी लॉन्ग जर्नीज भी कवर कर सको। एंड कीपिंग द सेम माइंड सेट, इंजन को भी इस तरह से ट्यून किया जाता है कि आपको लीनियर टॉर्क आउटपुट मिले, जिसका मतलब ये होता है कि ये बाइक्स हाई स्पीड हाईवे क्रूजिंग के लिए नहीं बनी है, बल्कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे 50-80 किलोमीटर की स्पीड रेंज में एकदम फील के साथ क्रूज करने के लिए बनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और पुण्य के भागी बने, और हाँ वो बेल आइकन भी दबा देना सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, मॉडर्न रेट्रो बाइक्स। तो मॉडर्न रेट्रो बाइक्स एक तरह का फ्यूजन है रेट्रो लुक्स एंड मॉडर्न फीचर्स का। तो जो इसके डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेट्रो और स्टैंडर्ड बाइक से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन इस बाइक में मॉडर्न सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इस बाइक के जो एर्गोनॉमिक्स होंगे वो भी एक मॉडर्न बाइक के हिसाब से सेटअप होते हैं, जो इस बाइक की ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस होगी वो भी एक मॉडर्न बाइक के हिसाब से सेटअप होती है, लेकिन जो हेडलाइट्स डायल्स एंड टैंक का डिजाइन होगा वो इंस्पायर्ड होगा रेट्रो बाइक्स से, स्टैंडर्ड बाइक्स से। एज अ रिजल्ट देखने वाले को लगेगा कि ये बाइक काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, वो आपसे रेस करने की कोशिश करेगा, बट जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे बूम, जो आपका चैलेंजर है उसकी हालत खराब कर देगी ये बाइक बिकॉज ऑफ द मॉडर्न परफॉर्मेंस। मॉडर्न रेट्रो बाइक्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है होंडा के CB650R। अच्छा, आप लोगों की फेवरेट टाइप ऑफ बाइक कौन सी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बाइक की तरफ। देखिए, अभी तक पीछे जो मैंने बाइक्स आपको बताई हैं वो ट्रैक के लिए अच्छी है, स्ट्रीट्स के लिए अच्छी है, लेकिन कोई भी हाईवे के लिए इतनी बेस्ट सूटेड नहीं है। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ बाइक्स की जो कि एक्चुअली हाईवे पे लॉन्ग माइल्स को कवर करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहली है क्रूजर बाइक्स। एंड क्रूजर बाइक्स एज द नेम सजेस्ट बनी है हाईवे क्रूजिंग के लिए, जिसका मतलब होता है कि आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पे लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू मनाली, मुंबई टू गोवा। और इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है कम्फर्ट। तो ये बाइक काफी ज्यादा कम्फर्टेबल होती है, और ऐसा करने के लिए इस बाइक में आपको मिलती है रिलैक्स्ड फीट फॉरवर्ड राइडिंग पोजिशन। साथ ही साथ बाइक के एर्गोनॉमिक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो आपकी है वो काफी स्ट्रेट रहे, अपराइट रहे, और जो इन बाइक्स की सीट हाइट होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, सो दैट भिन्न भिन्न प्रकार के हाइट वाले लोग इस बाइक को इजीली राइड कर सके। साथ ही साथ इन बाइक्स का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, ताकि आप लोगों को हाईवे पे क्रूज करते टाइम काफी अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिल सके। इंजन को इस तरह से ट्यून किया जाता है कि पावर आउटपुट काफी लो होता है, क्योंकि इन बाइक्स को डिजाइन नहीं किया जाता हाई स्पीड के लिए, इन बाइक्स को डिजाइन किया जाता है लो एंड टॉर्क के लिए, ताकि आप चाहे फिफ्थ गियर पे हो या सिक्स्थ गियर पे आप आराम से किसी भी बंदे को ओवरटेक कर सको। और नॉर्मली क्रूजर को चलाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने एक कंसिस्टेंट स्पीड पकड़ी और मोस्टली स्ट्रेट हाईवे पे मस्त क्रूज करते हुए चले जा रहे हो। अच्छा, क्रूजर्स के भी फर्दर तीन टाइप होते हैं। पहला होता है चॉपर। चॉपर्स आपको मोस्टली यूएसए में देखने को मिलेगी, और ये बाइक्स स्टाइल स्टेटमेंट के लिए बनती है। दे आर नॉट मोस्ट कंफर्टेबल टू राइड, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इनके स्मॉल एंड टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक और हाई माउंटेड हैंडल बार्स की वजह से। इसके बाद आती है आपकी बॉबर्स। बॉबर्स का लिटरली मतलब ये होता है कि आपने एक फैक्ट्री बाइक उठाई और उसको बूबिंग यानी कि बूब्स जॉब दे दी। यस, और ये कुछ इस तरह से किया जाता है, जितना भी डेड वेट होता है आपकी बाइक में जो कि आपको लगता है कि किसी काम का नहीं है, आप उसको निकाल के फेंक देते हो, जैसे कि सब फ्रेम के कुछ पार्ट्स, रियर प्लेन सीट्स, रियर सस्पेंशन, रियर फुट पैग्स, साड़ी गार्ड एंड योर शर्ट। अश्लील है ये लोंडा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स बाइक एक सोलो राइडर इम्प्रैक्टिकल मशीन बन के रह जाती है। और बॉबर कैटेगरी ऑफ क्रूजर बाइक्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जावा पेराग। और तीसरा टाइप ऑफ क्रूजर्स है पावर क्रूजर्स। पावर क्रूजर ऐसी किसी बाइक को बोला जाता है जिसमें बेटर सस्पेंशन होता है, जिसके इंजन में ज्यादा पावर होती है, जिस बाइक की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी क्रूजर बाइक से बेटर होती है, और आपको काफी सारे मॉडर्न फीचर्स भी उस बाइक में मिलते हैं। बट यू नो, क्रूजर बाइक्स में एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग होती है कि उनमें सामान कैरी करने के लिए कुछ खास अच्छे प्रोविजंस नहीं होते, तो आप बहुत लंबी डिस्टेंसेस को कवर नहीं कर सकते। बट यू नो व्हाट, इस नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बाइक में आप लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत सारे सामान के साथ बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो, टूरर्स। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये बाइक बनती है हाईवे टूरिंग्स के लिए। टूरर्स बनती है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारा लगेज हो और साथ में एक पार्टनर भी हो। ये बाइक्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स राइडिंग पोजिशन होती है इनकी। इनके राइडिंग स्टांस एंड एर्गोनॉमिक्स इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सो मच सो कि इनको कार के कंफर्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, इवन फॉर द पिलियन। साथ में आपको एक काफी बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, यू नो 25-30 लीटर्स का, ताकि आपको फ्यूल स्टॉप्स ज्यादा ना लेने पड़े। टूरर्स में आपको काफी ज्यादा लगेज स्पेस मिलता है, सो मच सो कि आप रोड पे एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। ये बाइक्स बहुत ज्यादा हैवी वेट होती है, और फुली लोडेड होने के टाइम पे ये बाइक्स 700 किलोग्राम्स तक वे कर सकती है, एंड दैट इज रियली वेरी क्लोज टू मारुति स्विफ्ट। नाउ मेरा मतलब ये नहीं है कि मारुति हल्की होती है, मेरा मतलब ये है कि ये बाइक्स हैवी होती है।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आपको एक काफी बड़ा इंजन मिलता है, यू नो 1.6 1.7 लीटर्स के आसपास का, बट वो इंजन रिलैक्स्ड पावर डिलीवर करता है सो दैट आप इस बाइक में आराम से क्रूज कर सको। एंड बिकॉज दीज बाइक्स आर वेरी हैवी, तो इनको मैनूवर करना और शार्प टर्न्स इस बाइक में करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, विच इज अ कॉन। बट एट द सेम टाइम इस बाइक की पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ होती है कि देर आर नो वाइब्रेशंस। टूरिंग कैटेगरी की बाइक्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है होंडा गोल्डविंग। और वहीं क्रूजर बाइक्स में भी एक बहुत स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें लगेज स्पेस का प्रोविजन होता है, और उन बाइक्स को हम कहते हैं बैगर्स। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रोड बाइक्स। अच्छा, ऑफ रोड कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा फन टू राइड बाइक मिलेगी, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है डर्ट बाइक्स का। नाउ डर्ट बाइक्स रोड लीगल नहीं होती क्योंकि उनमें इंडिकेटर और हेडलाइट जैसे बेयर बेसिक फीचर्स नहीं होते, और इंडिया में तो डर्ट बाइक्स बिल्कुल ही लीगल नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डर्ट बाइक्स टू स्ट्रोक इंजन पे बेस्ड होती है, और टू स्ट्रोक्स ड्यू टू द एमिशन नॉर्म्स इंडिया में इज नॉट अलाउड। उसके अलावा डर्ट बाइक पर बेस्ड जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है उनको हम मोटोक्रॉस बाइक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात जो माइंड में रखने वाली है वो ये कि डर्ट बाइक्स का जो राइडिंग स्टांस होता है, जो राइडिंग पोजीशन होती है, वो काफी अनकन्वेंशनल होती है। एज यू नो, डर्ट बाइक्स को ऑफ रोड पे चलने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए उनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। बट फॉर दैट वेरी रीजन जो उसकी सीट हाइट होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। बट एट द सेम टाइम डर्ट बाइक्स को इस हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है कि राइडर उनको स्टैंड अप राइडिंग पोजीशन पे भी राइड कर सके। नाउ अगर हम डर्ट बाइक्स को रोड लीगल बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्रैम्बलर्स का और दूसरा होता है एडवेंचर बाइक्स का। अगर हम डर्ट बाइक को हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर्स एंड हॉर्न एंड एमिशन देके रोड लीगल बना दे तो वो बन जाती है स्क्रैम्बलर बाइक। स्क्रैम्बलर्स के साथ एक बात ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए नहीं बनाई जाती। इन बाइक्स को डिजाइन किया जाता है माइल्ड ऑफरोडिंग के लिए, और वहीं एडवेंचर बाइक्स एक्चुअली दोनों पर्पसेस के लिए सूटेबल होती है। मतलब कंपनीज एडवेंचर बाइक्स को इस हिसाब से डिजाइन करती है कि वो माइल्ड टू हार्डकोर ऑफरोडिंग को झेल सके और साथ में हाईवेज पे भी अच्छे से क्रूज कर सके। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि एडवेंचर बाइक्स भी डर्ट बाइक्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो एडवेंचर बाइक्स में भी आपको काफी अच्छी क्रैश प्रोटेक्शन और ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और इनकी सीट हाइट भी काफी ज्यादा हाई होती है, और साथ में एर्गोनॉमिक्स इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि राइडर आराम से इसको स्टैंड अप पोजीशन पे भी राइड कर सके। और ऑफ रोड ट्रैक्स को हैंडल करने के लिए लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और साथ में स्पोक व्हील। KTM 390 एडवेंचर एंड रॉयल एनफील्ड हिमालयन दो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बजट एडवेंचर बाइक्स के। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं एडवेंचर बाइक को और थोड़ा ज्यादा ऑफ रोड हैंडल करने के लिए डिजाइन करूं तो रेडी होती है मेरी ऑफ रोड एडवेंचर बाइक, जैसे कि BMW R1250 GS एडवेंचर, द OG ऑफ रोड एडवेंचर बाइक। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है मेरी लिस्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको ऐसी बाइक्स बताई जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी थी, सिंगल पर्पस के लिए। और यहाँ से शुरू होता है मेरी लिस्ट का सेकंड पार्ट, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसी बाइक्स जो कि दो कैटेगरीज को फ्यूज करके बनी है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है एडवेंचर टूरिंग। एडवेंचर टूरिंग एज द नेम सजेस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम बाइक को इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उसमें आपको एडवेंचर बाइक वाली सारी कैपेबिलिटीज मिल जाए और साथ में आप उससे थोड़ी बहुत हाईवे टूरिंग भी कर सको, यानी कि आप उसमें लगेज कैरी कर सको, उसमें बैनियर्स हो, कंफर्टेबल सीट्स हो, और एक काफी ह्यूज कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक हो, सो दैट आपको की जर्नी में बार बार फ्यूल स्टॉप्स ना लेने पड़े। और इस कैटेगरी ऑफ बाइक्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है BMW R1250 GS। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ्यूजन बाइक पे, जिसको बनाया गया है स्पोर्ट्स और टूरिंग बाइक्स को फ्यूज करके। और जैसा कि आप लोगों को नाम सुनके समझ आ गया होगा, ये एक ऐसी बाइक है जिसकी परफॉर्मेंस एक स्पोर्ट्स बाइक के लेवल की होती है और कंफर्ट एक टूरर बाइक के लेवल का होता है। स्पोर्ट्स टूरर लुक्स वाइज ये बाइक काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में सेमी फेयर्ड होती है। इन बाइक्स में लगेज कैरी करने के लिए काफी अच्छा प्रोविजन होता है और साथ में इनके एर्गोनॉमिक्स काफी कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। कावासाकी निंजा 1000 SX इस कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और अब बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, कम्यूटर बाइक्स। ना कम्यूटर बाइक्स का एक बहुत ही सिंपल रोल होता है, डेली कम्यूटिंग। नाउ डेली कम्यूटिंग करने के लिए जो बाइक आप डिजाइन करोगे उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे कि उसका राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा रिलैक्स होना चाहिए, बाइक इजी टू मैन्यूवर होनी चाहिए क्योंकि आपको डेली बेसिस में सिटी का ट्रैफिक, बंपर टू बंपर ट्रैफिक हैंडल करना होता है, बाइक काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। इस वजह से जो इनका इंजन ब्लॉक होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल कैपेसिटी का होता है, जैसे कि 100 cc, 125 cc, 150 cc, 160 cc, 180 cc, और यूजुअली सिंगल सिलेंडर होता है। परफॉर्मेंस वाइज इस बाइक से कुछ हाई नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि बाइक डे टू डे यूज में अंडर पावर्ड फील ना हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन किसी भी कम्यूटर बाइक से ये होती है कि वो हर तरह की टेरेन को हैंडल कर सके। और इस कैटेगरी ऑफ बाइक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है द OG स्प्लेंडर एंड द OG प्लैटिनम। इसके अलावा कुछ अन्य तरह की और मोटरसाइकिल्स भी होती है, जैसे कि स्कूटर्स, जिसमें यूजुअली इंजन पीछे की साइड होता है और आपको फ्रंट में लेग्स के पास काफी ज्यादा लेग स्पेस मिलता है ताकि आप सामान कैरी कर सको। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कूटर्स दे आर मेड फॉर यूटिलिटीज। इसके बाद आता है आप लोगों का मोपेड्स, विच आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि एक साइकिल है जिसके ऊपर आपने इंजन लगा दिया है बेसिकली। एंड दैट्स इट गाइस, यही खत्म होता है हमारा आज का एक क्रैश कोर्स। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन, कमेंट करना मत भूलना, एंड यू नो व्हाट, आप लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते
सकते हो कि हम अगला क्रैश कोर्स किस टॉपिक के ऊपर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस।